क्या श्रीलंका की तरह भारत के ये पड़ोसी देश भी बहुत जल्द बर्बाद होने वाले हैं? क्या ये लोग भी बर्बादी की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं और महज कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों में ही इनके दिवालिया होने की खबर आप न्यूज़ चैनल में सुन सकते हैं। जय कल्कि, जय जगत पते, पद्मा पते, जय रमा पते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय प्रकृति माँ, जय पंचसखा, जय वैदिक सनातन। तो श्रीलंका के हालात से आप लोग जरूर से मतलब वाकिफ हो गए अगर चैनल से जुड़े होंगे तो, और टेलीग्राम ग्रुप से भी अगर जुड़े हैं तो डेली अपडेट आपको मिल रहा होगा कि वहाँ पे तेल की किल्लत, खाने की किल्लत, मतलब हर चीज़ बहुत बिगड़ी हुई है। अब तो वहाँ की जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने तो मतलब आर्मी और टैंक भी तैनात कर दिए आम जनता के खिलाफ। तो मतलब हालात बहुत बुरे हैं, देश एक तरह से पूरी तरह से लगभग कोलैप्स कर चुके हैं, मतलब अर्थव्यवस्था ख़त्म हो चुकी है, वहाँ की सरकार ख़त्म, जनता की उम्मीदें ख़त्म, और अब धीरे धीरे करके वो कहीं ना कहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ेगा देश। और ऐसे ही हालात कहीं ना कहीं भारत के भी कुछ जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ और होने वाली है। तो जानते हैं कौन कौन से हैं वो पड़ोसी देश। तो भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान, मालदीव, लाओस, बांग्लादेश, ये देश वो देश हैं जो श्रीलंका के बाद दिवालिया होने वाले हैं। आप लोग चाहे लिख कर रह सकते हैं क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं दिवालिया होने की कगार पे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने यकीन से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि जितनी भी दुनिया में मेन संस्थाएं बनाई गई हैं वो कहीं ना कहीं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इल्यूमिनाटी बोलिए या फिर जो इलाइट्स हैं या जो भी ऊपर से कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया को, उन्हीं की एक तरह से पंजों से बनाई गई हैं, उन्हीं के नक्शे कदमों पे ये चल ये संस्था है। आपको पता होगा ये संस्था जो भी देश मतलब कंगाली की तरफ बढ़ रहे होते हैं उनको कर्जा देने का काम करती है, मतलब जो देश कर्जे में ऑलरेडी डूबे हैं उनको और भारी ब्याज पे कर्जा दिया जाता है ताकि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। और इन्होंने एक लिस्ट जारी करी है जिसके अनुसार भारत की जो पड़ोसी देश मैंने अभी आपको नाम बताया, पाकिस्तान, मालदीव, लाओस, बांग्लादेश और श्रीलंका को तो चलो हो ही गया, ये भी पहले लिस्ट में शामिल था, तो बाकी के बचे जो ये चार देश हैं इनको भी इन कैटेगरी में रखा गया है कि इंडिया भी कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से गुजरे हैं और कहीं ना कहीं बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, मतलब एक तरह से बोलते हैं ना खैरियत मनाइए कि कितने दिन और टिक पाएंगे। मेरे ख्याल से इसमें नेपाल को भी शामिल हो जाना चाहिए क्योंकि नेपाल भी कहीं ना कहीं उसी तरफ बढ़ रहा है, अभी लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा पर थोड़े समय में उसके भी लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान के अगर हालात देखोगे आप तो तेल के जो दाम हैं वो 90% तक बढ़ चुके हैं, मतलब मई के महीने से अगर अभी तक बात की जाए तो 90% तक बढ़ चुके हैं, मतलब आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा महंगाई वहाँ पे हो रही होगी। इसके अलावा उसका जो मुद्रा भंडार है वो पिछले साल के मुकाबले 50% ही रह गया, मतलब आधा ही रह गया, मान लो पिछले साल उसके पास 100 रुपये थे तो अब 85 रुपये रह गए। और विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना ये एक बड़ा संकेत है कि अब इनके लगने वाले कहीं ना कहीं। और ये भी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मानिए या फिर जो भी लाइट्स का जो सैतानिक एजेंडा है उसके अंदर फंसना इनका शुरू हो चुका है और इनके भी लगने वाले हैं। पाकिस्तान से तो एक और साइन भी देख सकते हैं कि पाकिस्तानी रुपया भी बहुत बुरी तरह से गिरा है पिछले कुछ दिनों में, हालांकि भारतीय रुपया भी गिरा है पर भारत को मुझे लगता है अभी थोड़ा सा टाइम है, जो इनका एजेंडा है उनके हिसाब से भारत थोड़ा सा लेट गिरेगा, गिरेगा तो सही, कोलैप्स तो इनको करना ही है। उसका एजेंडा तो आप लोग देख रहे हैं हिंदू मुस्लिम दंगे, इसके ऊपर मैं के आर्मी पे एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी जो कि मेरे ख्याल से 3 बजे के आसपास अपलोड होगा, तो ज़रूर से देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल के ऊपर भी जाके आप उसका लिंक देख सकते हैं, तो मतलब वो वीडियो जरूर से देखिएगा, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि आखिर ये हिंदू मुस्लिम दंगे होते क्यों और किस तरह से गवर्नमेंट ही इन्हें करवाती है, पूरा प्रूफ के साथ मैंने देखा है दिया है वो वीडियो, तो जरूर से देखिएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्या कुछ चल रहे हैं। ऐसे ही एक महान इंसान ने आपको बताएं कौन है वो अभी नहीं बता सकते, पर एक महान इंसान ने बताएं कि 70 देश एक साल के अंदर ऐसे ही बर्बाद होने वाले हैं जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। 17-70 में कन्फ्यूजन था पर मेरे ख्याल से इनका जो एजेंडा है ये जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहते हैं क्योंकि इनको एंटी क्राइस्ट को लाना है। अब मेन जो सारी प्लानिंग चल रही है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वगैरह एंटी क्राइस्ट को स्थापित करने के लिए ही हो रहा है या फिर कली पुरुष, दोनों में से कोई भी दज्जाल भी इसी तरफ कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ रहे हैं। मेनली जो आपकी जागरूकता है वही अभी काम आएगी, चीज़ों को समझने के लिए आप लोग वैदिक सनातन से भी जुड़ सकते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको, उससे आपको चीज़ों को समझने में और अच्छे से मदद मिलेगी, जो अंकिता जी फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही हैं क्लासेस तो आप इजीली सीख सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं जो करने के बाद आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। नेचर से जुड़िए क्योंकि नेचर एक बहुत शानदार शक्ति है परमात्मा से जुड़ने की, एक तरह से परमात्मा ही का ही रूप है इन नेचर,
तो प्रकृति से जुड़िए, चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, दिमाग को खुला रखिए। जो पारंपरिक तरीके हैं, लोगों ने जो आपके दिमाग में भूसा भर के रखा है, उसको कहीं ना कहीं निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आप लोग ये चीज़ें समझ पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।